राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत किशोरी रमन गर्ल्स इंटर कॉलेज, राष्ट्रीय स्वयं सेवा योजना के अंतर्गत किशोरी रमन गर्ल्स महाविद्यालय में 7 दिवसीय कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में प्रतिदिन अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है। जिसके चलते मंगलवार को स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अलीगढ़ से आए वरिष्ठ चिकित्सकों ने विद्यालयों की छात्राओं का प्रशिक्षण किया, जिसमें दांतों में होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी दी एवं उपचार के बारे में भी बताया। इसके बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर ने बताया कि आजकल के हर 30 व्यक्ति को दांतों की बीमारी है। पार या हो या कीड़ा लगने से जैसी यह सभी बीमारियां उत्पन्न होने से पूर्व अपना उपचार प्रारंभ कर देना चाहिए और चिकित्सकों की सलाह अवश्य लेना चाहिए। इस कैंप में लगभग 300 छात्राओं ने भाग लिया और अपने दांतों का प्रशिक्षण कराया। इस दौरान कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए विद्यालय के अध्यापिकाओं ने बताया कि विद्यालय में हर बार राष्ट्र सेवा योजना के अंतर्गत कैंप लगाया जाता है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं। विशिष्ट 7 दिन का शिविर चल रहा है राष्ट्रीय सेवा योजना का, तो उसका आज 6ठा दिन है। तो हम लोगों ने आज डेंटल चेकअप का दिन रखा था, तो उसी के उसमें तत्वाधान में अलीगढ़ से 2 डॉक्टर हम लोगों ने बुलाए हैं, डॉक्टर अनुराग वाष्णेय और डॉक्टर निशित शर्मा, जो लगभग अभी तक 25-30 बच्चों का चेकअप कर चुके हैं, दांतों का चेकअप कर चुके हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसमें राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत हम लोग विभिन्न कार्यक्रम चला रहे हैं। जैसे पहले दिन हम लोगों ने स्वच्छता अभियान शुरू किया था, एक रैली निकाली थी और जो मलिन बस्ती है झींगुर बस्ती वहाँ पे हम लोगों ने सफाई का कार्यक्रम किया और खाना भी वितरित करवाया था। फिर दूसरे दिन हम लोगों ने वृक्षारोपण किया, हाँ वृक्षारोपण करवाया था कॉलेज में, 28 वृक्ष बच्चों ने लगाए, हाँ, और ये हम वन विभाग से लेकर आए थे, वन विभाग ने हमें मुफ्त में ही प्रोवाइड करवाए थे। और उसके बाद हम लोग यमुना मिशन पे गए, यमुना मिशन में पेड़ लगाए होंगे लगभग, वहाँ पे बच्चों ने 75 के आसपास पेड़ लगाए थे, वैसे हमारे 100 बच्चे गए थे वहाँ। तो ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, ये 7 दिवसीय शिविर होता है, एक विशेष शिविर है। जैसे NSS में 4 शिविर 1 दिवसीय रहते हैं और 1 सप्त दिवसीय शिविर रहता है, तो उस शिविर के अंतर्गत हम 7 दिन अलग अलग थीम लेके चले हैं। किसी दिन वृक्षारोपण है, किसी दिन स्वास्थ्य है, किसी दिन योगा है, आज डेंटल चेकअप के लिए है। तो इस तरह से हम लोग विभिन्न तरह से बच्चों को ये हर मोर्चे पे अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपनी प्रकृति का संसाधन जो है उनका ख्याल रखें, हम ये सुनिश्चित करते हैं कि बच्चों को सीखने को मिले हर दिन कुछ नया। और इसके बाद अंत में कल जो हमारा समापन है उसमें हम बच्चों को जो भी यहाँ पे प्रतियोगिताएँ हों उसमें हम उनको पुरस्कृत करते हैं। ये देवा शिविर है, देवा शिविर यानी डे कैंप, तो इसमें बच्चे खुद ही अपना खाना पका रहे हैं। 100 बच्चों की टीम है यहाँ पर, आप रसोई में जाके देख भी सकते। और आप ऊपर भी मुझे लग रहा है विजिट करके आए तो आप पाएंगे कि बच्चे वहाँ पे जैसे एक दावत की तैयारी होती है, एक हलवाई करता है, वो सारे काम हमारे बच्चे मिलकर कर रहे हैं। हम लोगों ने अलग अलग कमेटीज़ बना रखी हैं जो रोटेट होती रहती हैं हर दिन, जैसे किचन कमेटी है, सर्विंग कमेटी है, ट्रेनिंग कमेटी है, डिसिप्लिन कमेटी है, डेकोरेशन कमेटी है, तो ये सारी कमेटीज रोटेट होती रहती हैं और वन बाय वन बच्चे हर काम कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही कमेटी सारे दिन काम करती है।